शांति करो भाई, शांति करो। ठीक है, पुष्पा जी और रितेश भाई दोनों आपके बीच आ रहे हैं एक बहुत ही गंभीर बात लेकर के। किस्सा होगा महाभारत कर्ण वध। बात उस समय से होगी जब अर्जुन कर्ण का वध कर देते हैं, तो कुंती वहां आती है, सवाल जवाब होते हैं कुंती के और अर्जुन के। कवि ने क्या लिख दिया, बाकी हवाला सब रागिणी के माध्यम से। हाँ तो माता जी, आप रणभूमि में आज कैसे आई हो? आज तक मेरे सके संबंधी इतने रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन आज तक आप रणभूमि में नहीं आई, आज क्यों आई हो? ये तो मेरा दुश्मन था जो मरा पड़ा है, और मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, उसका बाद जवाब सही दें। पूछ ले बेटा। मैं अपनों को नहीं रोया तू रोने, गैरों को आई जानती है, फिर आपके चौथा बेटा कहां से हो गया? बता दूंगी, पहले तो अपनी बात कहते, उसके बाद मैं अपनी सारी बात सुनिएगा। अपनों को
पहले हमें क्यों नहीं बताया कि करण हमारा भाई था? ये दुनिया की लोक लाज से बेटा, मैं किसी को ये बात बता नहीं सकी। तुझे लोक लाज का तो ख्याल आ गया, लेकिन ये इतनी दुनिया खप गई स्कूल क्षेत्र के मैदान में, उसका ख्याल गति नहीं आया। कह दे बेटा अपनी बात को, आज सुन ले। बेटा है तो ये सारी दुनिया करण को सूत पुत्र करण कह के अपमानित नहीं करती, और आज हस्तिनापुर के सिंहासन पे करण राज में विराजमान होता। बेटा उस टाइम मुझे इस दुनिया का डर था, मैं डर के मारे ये बात कह नहीं पाई भरी सभा में, लेकिन तू मेरा बेटा है, आज मैं सबके सामने कहती हूँ कि तू मेरा बेटा है करण। राज करण दानी अपनों को